नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, दो अधिकारियों सहित 6 लोगों की गई जान। आज पीएम मोदी जापान के लिए रवाना हुए, शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। ज्ञान वापी मामले में सुनवाई के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से किया इनकार। राजस्थान कांग्रेस में बगावत पर सोनिया गांधी ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया आदेश, कहा विधायकों से 1-on-1 करें बात। राजस्थान में सियासी संकट के बीच कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ को दिल्ली बुलाया, अशोक गहलोत का कट सकता है पत्ता। इंडियन रेलवे ने नवरात्रि पर व्रत रखने वाले लोगों के लिए किया बड़ा इंतजाम, व्रत रखने वालों को मिलेगा फलहार भोजन। समय बर्बाद और भ्रामक याचिका दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 25,000 का जुर्माना। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में घूमने के मामले में सदगुरु वासुदेव पर नाइट जीप सफारी मामले में शिकायत दर्ज कराया गया है, लेकिन सीएम हेमंत शर्मा ने कहा कोई कानून नहीं तोड़ा। शारदीय नवरात्रे का पहला दिन आज घट कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री का किया गया विधिवत पूजा, देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। केरल में 25 करोड़ रुपए की ओनम बम्पर लॉटरी जीतने वाला ऑटो चालक अनुप लॉटरी जीतने के बाद परेशान है। दरअसल लॉटरी जीतने के बाद दूर दूर से लोग मदद मांगने के लिए उसके पास आ रहे हैं, जिस कारण अनुप ने अपना एड्रेस भी बदल दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति हिंदू हैं, धर्म बदलने की किसी को कोई जरूरत नहीं। लखनऊ के इंतुजा में हुआ बड़ा हादसा, ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 10 लोगों की गई जान, 35 से ज्यादा हुए घायल। पीएम आवास योजना में बिहार में हुआ जबरदस्त घोटाला, बिहार के छपरा में एक ही परिवार के 8 लोगों को मिले आवास योजना के रुपए और जरूरतमंद खा रहे हैं अधिकारियों और ऑफिस के धक्के। वकील के ड्रेस में पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची जैकलिन फर्नांडिस, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत। चंडीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने काटा पंजाब के आप विधायक का चालान, ट्रैफिक नियम नजरअंदाज कर सुर्खियों में रह चुके हैं एमएलए गुरप्रीत गोगी। हरियाणा में उफान पर है यमुना नदी, दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है खतरा, कई गांव की सीमा तक पहुंचा पानी, हथनी कुंड से छोड़ा गया है और ज्यादा पानी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता की मां और पिता से की मुलाकात, सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन कर बताया हालात का जायजा। कांग्रेस पार्टी ने झारखंड के प्रदीप बलमुचू को दी बड़ी जिम्मेदारी, आदिवासी कांग्रेस का बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिदानी परिवारों को किया सम्मानित, बोले शुरू से देश में साहसी नेतृत्व होता तो आज पीओके विवाद ना होता। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का किया ऐलान, कहा सबको लेकर चलेंगे साथ। बंगाल में दुर्गा पूजा की बढ़ी धूम, ममता बनर्जी ने 263 पूजा पंडालों का किया उद्घाटन, पंडालों में सुबह से ही भक्तों की लगी हुई है लाइन। कोरोना काल का पेमेंट न मिलने से नाराज नायर अस्पताल के डॉक्टरों ने दी काम रोकने की धमकी, बीएमसी से की बकाया कोरोना भत्ता देने की मांग। गुजरात पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो संविदा कर्मचारियों को किया जाएगा स्थायी। अंजीर में क्लोरोजेनिक एसिड होता है और पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है, साथ ही शुगर को कंट्रोल में रखता है। इसके लिए रोजाना रात में सोने से पहले एक गिलास पानी में 3-4 अंजीर को भिगोकर छोड़ दें और सुबह पानी में इसे मसल कर पूरा पी जाएं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।